अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम चिकन कबाब की रेसिपी बनाएंगे। चिकन सीने वाला 250 मिलीग्राम, साबित धनिया 1 टेबल स्पून, कूटी हुई मिर्च 1 टेबल स्पून, 5 ग्रीन मिर्च, लहसुन 3 अदद, अदरक 1 अदद, गरम मसाला 1 टेबल स्पून, काली मिर्च 1/2 टेबल स्पून, कड़ी पत्ता, इलायची 5 अदद, काली मिर्च, जीरा 1/2 टेबल स्पून, नमक हस्बे जायका यानी कि 1 टेबल स्पून, साबुत धनिया 1 प्याली, 1 प्याज। अब हम 100 मिलीग्राम दाल को हमने 2 घंटे पहले ही भिगो के रख दिया था, चना दाल को। अब हम स्टार्ट करेंगे। हांडी में पानी डालकर 1.5 गिलास हमने इसमें पानी डाला है और 1 टेबल स्पून नमक, इलायची, कड़ी पत्ता और साबित काली मिर्च, ऑनियन को हमने काट के इसमें डाल दिया है, जीरा, गरम मसाला, काली मिर्च, साबित धनिया, कूटी मिर्च, अदरक लहसुन को हमने काट दिया है, अदरक लहसुन, अब स्पून के जरिए इनको मिक्स करेंगे। अब इसमें दाल डालेंगे, अब इसमें चिकन डालेंगे, स्पून के जरिए मिक्स करेंगे, अब कवर करके हम इसको बॉईल करेंगे। पानी इसमें और डालेगा, इसमें 2 गिलास इसमें पानी डाल दिया हमने, इसको कवर करके फिर हम इसको बॉईल करेंगे जब तक पानी सूख नहीं जाए। अब ये तैयार है, हम इसको बाहर निकालेंगे किसी बर्तन में, स्टोव को ऑफ करेंगे, बाहर निकालेंगे। अब हम इसमें चिकन से जो हड्डियां हैं और वो अलग करेंगे और बोटी अलग कर देंगे। हमने अलग कर दी है चिकन को, हमने और हड्डियां अलग कर दी है और चिकन का गोश्त जो है अलग कर दिया है। अब हम इसमें एक मशीन में डालकर फिर हमको इनको ग्रीन मिर्च और धनिया को हम चॉप करेंगे मशीन के जरिए। हमने चॉप कर दिया है, अब हम दूसरी मशीन, इसमें हम दाल चिकन और हम इसमें डालेंगे और हाथ के जरिए इनको रखकर, और इसका जो हैंडल है ये है ब्लेड इसके हैं और ये इसका हैंडल है, इसी तरह इसको घुमाना है, इसके ऊपर हम चिकन दाल और डालकर फिर इसको चॉप करेंगे बिल्कुल। अब हम हाथ के जरिए इनको घुमा रहे हैं, ये देखो बन गई। इसी तरह हम सारी बना देंगे, देखो ब्लेड चल रहे हैं और ये पूरी तैयार हो गई। अब हम इसे बर्तन में निकालेंगे, अब इसको हाथ के जरिए मसलेंगे, अच्छी तरह से इनको मसल ले। मसलने के बाद से हम 10 मिनट इसको कवर कर देंगे। दस मिनट हो चुके हैं, अब हम इसकी शामी बनाएंगे। पानी पानी इसमें
ये जो मशीन है इसको नीचे प्रेस करके, ये वाला, इसके ऊपर पानी लगाकर अब इसमें ऊपर हम शामी कबाब का मसाला डालेंगे और अच्छी तरह से हाथ के जरिए इनको प्रेस करें। जितना प्रेस करेंगे ज़्यादा उतना ही इसके लोकेशन अच्छी आएगी। और ऊपर से पानी लगा दें बिल्कुल। अब इसको छोड़ दें हाथ के जरिए ऊपर करके, फिर इसको छोड़ दें। ये देखो शामी बन गई। इसी तरह से हम एक और बना के दिखाएंगे। अब हम सारी बना देंगे, अब हम सारी शामी बना देंगे। शामी तकरीबन 12 से 13 बन गई। अब आपको 6 हम बना के दिखाएंगे। अब हम इस पैन में हम ऑयल डालेंगे। 3 टेबल स्पून ऑयल इसमें ऑयल डाला है। अंडे हम 2 यूज करेंगे तोड़ कर, मिक्स करके आपको दिखा देंगे कि हमने इसके अंडे के जरिए शामी को अच्छी तरह से अंडे में लगाएं और पैन में डाल दें। इसी तरह हम सारी शामी इसमें डाल देंगे। शामी को एक साइड पकने में 7 से 8 मिनट लगते हैं। हल्की आंच पर, तेज आंच पर तो शामी अच्छी तरह से नहीं पकती। अब हम एक साइड पक गई है तो दूसरी साइड इनको पलटी हम कर रहे हैं। हल्की आंच पर शामी का लोकेशन जो अच्छा आता है वह अंदर से बाहर से पक जाती है। अब दूसरी साइड पक रही, इसको भी 6 से 7 मिनट लगते हैं। अब हमारी शामी तैयार है। अब इनको हम डिश आउट करेंगे। शामी को चावल से साथ खा सकते हैं और ऐसे केचप के साथ भी खा सकते हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे चैनल को और मेरी वीडियो शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी। सो अपने बच्चों का, अपने बड़ों का, अपना ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर दें और लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।